तुम अपनी पत्नी मंदोदरी के मुंह में इतने आसक्त हो गए हो कि तुमने अपने गुरु के आदेश की अवहेलना की। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए मैं तत्क्षण तुम्हें अपने शिष्य के रूप में परित्याग करता हूं। लंकेश, परित्याग करता हूं। अब असुर गुरु को मनाने का एक ही मार्ग है मेरे पास कि मैं शीघ्र ऐसा कोई कार्य करूं जिससे परशुराम पराजित हो जाए। देवर्षि नारद ने मुझे विवाह के बंधन में अवश्य उलझाया, किंतु उनकी एक बात ध्यान देने वाली थी, और यह यदि मैं अपनी कुंडली के एक भी भाग को ढूंढ लूं तो परशुराम का सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। किंतु ये कार्य मुझे किसी अपने संबंधी को सौंपना होगा, किंतु किसे? हाँ, मायावे। अंदर महोदय, अभी कुछ समय पहले ही तो आपको भोजन करवाया था और अब है कि आपको पुनः भूख लगी है। ना 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 ना, इस पोटली में रखे पकवान पर ना अपनी दृष्टि उठाकर मत देखना, क्योंकि माता ने ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए दिए। क्या कहा आपने? अगर मैंने थोड़ा खा भी लिया तो यहां कौन देखेगा? आपने ही ना मेरी आदत बिगाड़ के रख दिया। ठीक है, इस बार तो मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन हाँ, अगली बार से मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अति उत्तम, ये तो कोई नवीन बालक प्रतीत होता है जिसे उसकी मां ने इस गांव के विख्यात गुरु अर्थात मेरे पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा है। आज तक मैंने कई बालकों का आखेट किया है, किंतु इतना हष्टपुष्ट बालक मैंने आज तक नहीं देखा। इसे भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां इस गांव के समस्त बालक गए हैं। इतना सुंदर और आकर्षक डब्बा, इसके अंदर क्या होगा? खोल कर देखता हूं। ये
अब आएगा आनंद जब भयासुर के अमात्य को मैं इस हष्टपुष्ट बालक को सुपुर्द करूंगा। पुत्र रघु, कहाँ हो तुम? रघु, पुत्र। ये अवश्य सावित्री ही होगी जिसके पुत्र रघु का कल मैंने अपहरण किया था। पुत्र रघु, कहाँ हो तुम? रघु, रघु तुम कहाँ हो? रघु पुत्र, कहाँ हो तुम? रघु, रघु पुत्र कहाँ हो? आचार्य जी, रघु को देखा क्या? अरे सावित्री बहन, तुम यहाँ जंगल में कहाँ भटक रही हो? मेरा पुत्र कल से घर नहीं आया है आचार्य जी, मैं उसे को ढूंढ रही हूँ। ओह, मुझे मेरा एक शिष्य बता रहा था कि तुम्हारे पुत्र का अब अध्ययन अध्यापन में मन नहीं लग रहा है, वो अब धन कमाने की इच्छा रखता है, खूब भी प्रचुर मात्रा में। मुझे प्रतीत होता है कि वो धन कमाने के लिए यही नगर में ही गया होगा। किंतु वो मुझे अपनी माँ को तो बताकर जा सकता था। कदाचित वो अत्यधिक धन कमाकर तुम्हें चकित करना चाहता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, मुझे धन संपदा नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र रघु चाहिए, केवल मेरा पुत्र। चिंता मत करो सावित्री बहन, मेरा एक शिष्य यही नगर में ही रहता है, मैं उसे सूचना भेज देता हूँ। सूचना मिलते ही वो तुम्हारे पुत्र को ढूंढना आरंभ कर देगा, और तुम्हारे पुत्र के मिलते ही मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। अब तुम जाओ। मैं प्रतीक्षा करूंगी ऋषिवर, आप शीघ्र ही मेरे पुत्र को मेरे पास लेके आइएगा। हाँ हाँ, मैं अवश्य लेकर आऊंगा। धन्यवाद। तुम्हारी ये प्रतीक्षा कदापि पूर्ण नहीं होने वाली भोली स्त्री, क्योंकि तुम्हारा पुत्र किसी नगर में नहीं, अभी तू भयासुर के कारागार में है। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। अरे बंद करो विलाप, अन्यथा चाबुक से मार मार के खाल उधेड़ दूंगा सबकी। अब बताओ कौन जाएगा वनेला से दंगल करने? वनेला, 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 प्रतीत होता है कि तुम सबका मुंह अब मेरे इस चाबुक की मार से ही खुलेगा। महाराज, भयासुर ने दंगल आरंभ करने का आदेश दे दिया है, किंतु कोई भी बालक अब तक अखाड़े में क्यों नहीं पहुंचा? स्मरण है ना, यदि विलंब हुआ तो महाराज भयासुर का कोप वज्र बनकर हम सब पर एक साथ ही टूटने वाला है। फिर तो रघु, आज तू ही जाएगा दंगल करने। नहीं नहीं, मुझे वनेला से नहीं लड़ना, मैं दंगल करने नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिर यहां रहकर करेगा भी क्या? हाँ, मृत्यु की प्रतीक्षा। याद रखना, दंगल नहीं तो भोजन नहीं। बिना जल और भोजन के कितने बालक अस्थि पिंजरों के ढेर में परिवर्तित हो चुके हैं वो देख।
स्मरण रखो, यदि बनेला के सामने टिक गए तो जय जयकार होगी और उसके उपरांत महाराज तुम्हें वो सब सुख सुविधाएं देंगे जो आज तक किसी बालक को नहीं मिली। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे बनेला से नहीं डरना, वो मुझे मार डालेगा, मुझे छल से लाया गया है, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे अपने घर वापस भेज दो। घर नहीं बालक, तुम्हारे लिए केवल दो स्थान शेष हैं, पहला अखाड़ा और दूसरा यमलोक। तुम जहां जाना चाहो मैं तुम्हें सहर्ष ले चलूंगा। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना दंगल कर ले, मुझे नहीं लड़ना वनेला से। नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। लेके जाए चल। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे। क्यों मणिरत्न, आज किस पर दाव लगाओगे? भला वेनिला को छोड़कर किस पर दाव लगाया जा सकता है? मैं तो नए वाले योद्धा पर दाव लगाने वाला हूँ। सुना है एक बार वेनिला को गांव के एक बच्चे ने पराजित कर दिया था और उस दाव में उन सभी के बारे न्यारे भी हो गए थे जिन्होंने उस गांव के बालक पर दाव लगाया था, क्योंकि नए बालक के विजयी होने पर 50 गुना अधिक धन मिलता है। फिर तो मैं भी आज नए बालक पर धन लगाऊंगा। किंतु अभी तक यहाँ पर कोई आया क्यों नहीं? वनेला 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 प्रतीक्षा की बेला समाप्त हुई, क्योंकि वनेला से आज ये नया बालक रघु सामना करेगा। वनेला रघु 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 रघु। नया बाल योद्धा तो मुझे कुछ भयभीत प्रतीत होता है, किंतु एक बार इस बालक की स्फूर्ति देखनी है, उसके पश्चात ही मैं इस पर दाव लगाऊंगा। ये मेरा दाव वनेला पर 100 स्वर्ण मुद्राएं, मेरा दाव रघु पर 200 स्वर्ण मुद्राएं, मेरे वनेला पर 500 स्वर्ण मुद्राएं। वनेला 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 Vanilla उठा रघु, रघु उठ।
वनेला 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 विजय हुआ वनेला। लाओ मुझे दुगनी मुद्राएं। इस रघु पर तो मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। गई मेरी 200 स्वर्ण मुद्रा है। हम जीत गए। लाओ मेरी मुद्राएं। चलो भाई, आज की क्रीड़ा तो यही समाप्त होगी। अब कुछ भी शेष नहीं रहा। हाँ, यहाँ तो खुशी क्षणों का दंगल होता है। इससे अच्छा दंगल तो दूसरे नगर होता है। चलो वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सदा तुमने हमारी प्रजा क्या कह रही है? यहाँ के दंगल को छोड़कर वो दूसरे नगर दंगल देखने जाएंगे। ये भयासुर को कदापि स्वीकार नहीं है और कदाचित वनेला को भी स्वीकार नहीं होगा। वनेला, अब तुम इसका जीवन का निर्णय करोगे। जीवन या मृत्यु? मृत्यु। अमात्या। महाराज। अमात्या, अगली क्रीड़ा मनोरंजन से परिपूर्ण होनी चाहिए और साथ ही शीघ्र समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सबसे बड़े स्वामी भक्त हो। महाराज आप निश्चिंत रहिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। महाराज निश्चिंत मैं तभी होऊंगा जब वनेला से डरने लायक एक बाल योद्धा लेकर आओगे। परंतु स्मरण रहे, ये क्रीड़ा कभी रुकनी नहीं चाहिए। उस मायावी ने मेरे प्राण भी संकट में डाल दिए। उसने अब तक एक भी बाल योद्धा ऐसा नहीं भेजा जो इस वनेला को पराजय कर सके। मुझे शीघ्र ही उस मायावी से मिलना होगा। काकराज, माई तो तीर्थ के लिए प्रस्थान कर गई, किंतु मुझे रावण की कुंडली का अगला खंड ढूंढने के लिए अपने बाण को पुनः संधान करना होगा। जी प्रभु। काकराज, हमें उस दिशा की ओर जाना है। हाँ प्रभु, मैं भी ये देखने के लिए अति व्यग्र हूँ। लंकेश रावण का दूसरा खंड कब और कहाँ से प्राप्त होगा? चलिए काकराज। महाराज, इस कवच को आप केवल उसी समय उतारते हैं जब भी मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, अन्यथा आप सोते समय भी इस कवच को पहन के ही सोते हैं। क्या ये कोई विशेष कवच है महाराज? तो उचित है ब्रह्मदेव, यदि आपके वरदान के अनुसार कोई भी अस्त्र या शस्त्र इस कवच को भेद नहीं सकता, तो मैं इसे अपने तप का फल समझकर स्वीकार करता हूं। आज से यह भयासुर अमर है, कोई नहीं मार सकता मुझे।
तेरा ये दुस्साहस ये तुच्छ सा सेवक होगा, मेरे कवच के विषय में जानकारी लेगा। उससे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तो स्मरण रहे, यदि आज के पश्चात तूने मेरे कवच की ओर नेत्र उठाने का प्रयास भी किया तो तू उसी क्षण उठ जाएगा ऊपर वहां। ये बाण किसने चलाया? ये बाण किस मूर्ख ने भयासुर पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? पता लगा, शीघ्र अति शीघ्र पता लगा। जी महाराज।